आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे और दिवाली बी फ्री फ्रॉम डार्कनेस एंड अबंडेंट विद लाइट। इस साल की दिवाली हम सभी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना जैसी पैंडेमिक को जैसे हम पिछले 2 सालों से झेल रहे थे और फाइनली हम सभी ने इसका डट करके एकजुट होकर के सामना किया और इसे हराया भी, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत तो होनी ही होनी है। लेकिन एक बात का ध्यान हमें अभी भी रखना होगा कि इस बुराई से हमें अभी भी परमानेंटली छुटकारा नहीं मिल सका है, तो कुछ बातों का ध्यान हमें रखना होगा अभी भी, जैसे कि पिछले 2 सालों से जिन नियमों का हम पालन कर रहे थे खुद को बचाने के लिए और अपनों को बचाने के लिए, उन नियमों का पालन हमें अभी भी करना होगा, तभी हम इस कोविड जैसे डार्कनेस से, यानी कि इस कोविड जैसे अंधकार से हमें परमानेंटली छुटकारा मिल सकेगा और आने वाली हर दिवाली को हम इसी तरीके से खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलिए इस दिवाली को एकजुट होकर के एक साथ हम मनाते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा आप, प्रदूषण फैलाने वाले क्रैकर्स को बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि ये पटाखे जो होते हैं इनसे कई सारी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, जो कि ओल्ड एज के लोग हैं और जिनको भी सांस की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। साथ में जो आसपास हमारे जानवर होते हैं वो भी काफ़ी डर जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से बचें। और अगर आपको जलाना ही है तो मार्केट में ग्रीन क्रैकर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको जला सकते हैं और अपनी दिवाली को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बाहर आजकल बहुत सारी नकली मिठाइयाँ यानी कि मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को भी घर लाने से बचिए। आप घर पे भी इन सभी चीज़ों की तैयारी करके अपनी दिवाली को अच्छी तरीके से मना सकते हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेफ एंड प्रॉस्परस दिवाली। थैंक यू सो मच।